सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और अभी चेक करें मैं बेड पे ही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:15। सो चलते हैं, फटाफट अभी फ्रेश होता हूँ और उसके बाद नहाऊंगा नहीं, बिकॉज अभी चलना है हेयर कट के लिए। सो चलता हूँ बस फ्रेश होके, ब्रश करके यहाँ से निकलते हैं, हेयर कटिंग करके आते हैं, फिर नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे आराम से और फिर मिलता हूँ आप लोग से, देखेंगे आज संडे का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो गाइज, ये आ चुका है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, अपना जो नॉर्मल शेक है वो, और उसके बाद यहाँ पे पीछे ब्रेड और न्यूटेला है। सो ये पीने के बाद ब्रेड न्यूटेला भी खा लूँगा। मैं सोचा हेयर कट करने से पहले ये ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी लेट हो जाएगा हेयर कट करके आने के बाद, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करने में आफ्टरनून हो जाएगा। सो चलता हूँ अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फिर मैं निकलता हूँ अपने हेयर कट के लिए। सो गाइज, फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ हेयर कट करने जाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 11:40, डेढ़ घंटे बाद। मैं उठा था 10 बजे और अभी जस्ट निकल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं थे तो मैं सुफियान भाई से कैश लिया। मैं नहीं जा रहा था, चाह रहा था कि मैं जाके ATM से कैश वगैरह निकालूँ, बहुत टाइम लग जाता। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अब सिर्फ हेयर कट करके जाके घर पर नहाना है। ब्रेकफास्ट करके मैंने काम ख़त्म कर लिया है, बाकी चेक कर सकते हैं ऐसा कुछ है बाहर का माहौल बुरजुमान का। सो अब चलता हूँ, हेयर कट वगैरह करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल बेसिक खाली सेटिंग करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बाल थोड़े बड़े ही रखने हैं, अभी मैं ज़्यादा छोटा हेयर कट नहीं करूँगा। सो चलता हूँ सैलून में, दिखाता हूँ आपको क्या है, कितना रश है और फिर हेयर कट करके मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइज, मैं इस सैलून में आया था हेयर कट करने, फाइव दिरहम्स में हेयर कट, बियर्ड सब कुछ फाइव दिरहम्स में। और अभी हेयर कट वगैरह हो गई है, 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट। अब चलता हूँ यहाँ से, घर चल के नहाता हूँ आराम से। सर गाइज, हेयर कट हो चुका है मगर जैसा हेयर कट चाहिए था वैसा प्रॉपर फील नहीं आया, बिकॉज आप लोग को पता है हर किसी का एक सैलून में स्पेशल हेयर कट वाला होता है, जो जहाँ पे जब भी आप बाल कटाते हो उससे ही कटवाते हो। मगर मेरा जो बंदा था वो आज आया नहीं, लेट आएगा, और मैं बैठ चुका था चेयर पे, तो मैं दूसरे की रिस्पेक्ट, मैं उसको अगर उसके चेयर से उठता तो रिस्पेक्ट उसकी चली जाती, इस वजह से मैंने हेयर कट करवा लिया। बट खैर ठीक है, जो भी है, पूरा फील तो आया नहीं है बट कटवा लिया मैंने। अब चलता हूँ रूम में, चलता हूँ फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइस, 2 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। हमजा भाई आ चुके हैं आबरा के पास, वो चेक करें, वो जो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है वहाँ पर, वो बिल्डिंग के पास आबरा है, वहाँ से जो बनियास से आती है वहाँ पर, तो वहाँ पे हमजा भाई आके वेट कर रहे हैं। अब चलता हूँ, मैं भी निकलता हूँ, फटाफट रेडी हो गया हूँ और चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पहले तो प्लान है मीना बाज़ार जाने का, वहाँ पे थोड़ा वॉचेस वगैरह देखेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और वहाँ से अगर कहीं निकलना रहा तो निकलेंगे। सो चलते हैं, जो भी रहेगा आप लोग का संडे का फुल एंजॉय करते हैं, देखते हैं। सो गाइज़, मैं निकल चुका हूँ घर से, फिलहाल कुछ कैश विड्रॉ करना था तो यहाँ पर ADCB के ATM आया था और ऐसा कुछ है बाहर का बैंक स्ट्रीट का माहौल शरफ डीजी में। ये बैंक स्ट्रीट है, आप लोग को मैंने बताया इससे पहले भी, चेक कर सकते हैं। मेरी वाली जो लेन है, इस लेन में पूरे बैंक्स हैं, इस पूरे लेन में बैंक है, इसलिए इसको बैंक स्ट्रीट बोलते हैं। अब चलता हूँ, हमजा भाई ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, लेट हो गया है। यहाँ से फटाक से मुझे 5-10 मिनट लगेगा चल के जाने में, यहाँ से नीचे से क्रॉसिंग करके फिर मैं जाऊँगा आबरा के पास। सो चलो चलता हूँ, निकलता हूँ और मिलते हैं हमजा भाई से। बाकी है चेक करें मस्टैंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आई थिंक डॉज है शायद, हाँ डॉज चार्जर। सो गाइज, मैं आ गया हूँ मीना बाज़ार प्लाजा के ठीक सामने और चलते हैं अंदर, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉचेस, परफ्यूम सब कुछ शॉपिंग की चीज़ें, सो अंदर चल के देखते हैं कुछ पसंद आता है वॉचेस वगैरह तो लेते हैं, प्राइस वगैरह चेक करते हैं और फिर मिलता हूँ आप लोग से मैं। सर गाइज, मुझे ये 3 वॉचेस पसंद आई है, एक ये ब्लैक एंड गोल्डन में T5 की, उसके बाद दूसरी ये ब्लैक एंड ग्रे है, इसमें ब्लैक फ्रेम है एंड ग्रे बेल्ट मिल जाता है आपको फिनिशिंग एक रेड के साथ, रेड बटन के साथ। और ये तीसरी वॉच है मेरी मोस्ट फेवरेट, ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड ब्लू बेल्ट, अंदर इंटीरियर भी ब्लू है, तो मुझे ये तीनों पसंद आई है। देखता हूँ इनमें से कौन सी लेता हूँ, बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जा रही हैं यहाँ पर सिलिकॉन या T5 के ब्रांड में। सो चलता हूँ, देखता हूँ कौन सी सिलेक्ट करता हूँ मैं। ले मीना बाज़ार प्लाजा में ही है अभी भी और ये दूसरी एक T5 की मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है वॉच, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। सो मैं ये पसंद कर रहा हूँ, एक इनमें ये एक गोल्डन ब्लैक भी था बट इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है,
कि 50-50 है इसका अभी, बट ये मुझे काफ़ी पसंद आई, सो मैं ये एक ले रहा हूँ ब्लू कलर में, और ट्रांसपेरेंट बॉडी है इसका। और ये शॉप में चेक कर सकते हैं, काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे वॉचेस की है, यहाँ पे T5 के भी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ ब्रांड है। चलता हूँ ये पैक करवा लेता हूँ इनसे, और फिर मैं देखता हूँ कुछ और रहेगा तो आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस अभी मीना बाज़ार प्लाजा में था, और ये डैनियल क्लेन की मुझे ये वॉच पसंद आई है ओरिजिनल विद द 2 ईयर वारंटी। इतनी सारी वॉचेस देखने के बाद एक जाके ये पसंद आई है। ये देखें एंट्रेंस लेते ही यहाँ पे ये शॉप है, फर्स्ट शॉप। सो काफ़ी ज़्यादा शॉप जो वेराइटीज़ थी दिखाया मुझे इन भाई ने, और यहाँ पे कुछ लेदर बेल्ट्स में भी थे, बट इन सारे लेदर बेल्ट्स में से मुझे ये प्योर लेदर बेल्ट और ओरिजिनल ये पसंद आया। सो अभी चलता हूँ ये पैक वगैरह इनसे करवा लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कुछ और पसंद आएगी तो। सो गाइस ये दूसरी एक घड़ी मुझे पसंद आई है क्यूरिन की, सो ये भी एक ले रहा हूँ। तो वो एक हो गई ये लेदर वाली, ये एक मेटल के बेल्ट वाली। सो चलता हूँ ये दोनों का बिल वगैरह करवाता हूँ, और काफ़ी कलेक्शन थे इनके पास भाई के पास। अब निकलता हूँ दूसरे किसी शॉप वगैरह के लिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं परफ्यूम वगैरह इतर्स भी है, या मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह सब कुछ है। सो चलता हूँ ये दोनों ले लिया, अब निकलता हूँ यहाँ से बिल वगैरह करवा के। तो गाइज़ यार वॉचेस की शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, ये चेक करें, 3 वॉचेस टोटल लिए हैं। 2 मैंने एक भैया है उनके लिए लिया है, एक वो जो T5 की ब्लू कलर की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मैंने मेरे लिए लिया है, और साथ में हमजा भाई चेक करें। हमजा भाई हेलो बोलो यार। हेलो गाइस हाउ आर यू। पाकिस्तान से भी काफ़ी प्यार आता है, सो हमजा भाई हमारे पाकिस्तान से हैं। कीप सपोर्टिंग गाइस। सो चलता हूँ अब यहाँ से, देखते हैं शरफ डीजी चलते हैं, वहाँ से मेट्रो लेके हमजा भाई को कहाँ जाना है, करामा में डे टू डे में जाना है, इनको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। बाकी इस वक्त फ़िलहाल मैं बर्दू भाई के पार्किंग में हूँ, और इस वक्त हमारा जो व्लॉग है वो iPhone 15 Pro से शूट हो रहा है। सो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है क्वालिटी में और स्टेबिलिटी में इसके। और 4:15 हो गया है टाइम, अब चलते हैं यहाँ से शरफ डी जी मेट्रो लेते हैं, और चल के करामा में डे टू डे में देखते हैं क्या लेना है भाई को, डे टू डे में क्या ऑफर्स हैं वो भी दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस हम आ गए हैं करामा में डे टू डे के पास, ये चेक करें इतना बड़ा डे टू डे ये पूरा 3 माले का, और चलते हैं अब देखते हैं अंदर से क्या शॉपिंग वगैरह करनी है हमजा भाई को। बाकी ऐसा कुछ है करामा का माहौल, और अपडेट चेक कर सकते हैं, सभी लोग आज संडे है, जिनकी जिनकी छुट्टी है सब घूमने फिरने निकले हैं शॉपिंग के लिए, और 4:45 हो रहा है, 4:45 हो चुका है टाइम। सो चलते हैं देखते हैं, आपको करामा में भी प्राइस वगैरह दिखाता हूँ कि कौन से ऑफ़र लगे हैं और कौन सी चीज़ लेने लायक है यहाँ पे, और फिर मिलता हूँ आप लोग से। ये चेक करें, हैलोवीन आने वाला है, सो डे टू डे में हैलोवीन का पूरा आपको मिल सकता है देखने। देखें चुड़ैल, देखें चुड़ैल, वाह ऐसे चेक करें, सर गाइज मैं इस वक्त हूँ किड सेक्शन में, और यहाँ पे टॉयज़ के कलेक्शन देख सकते हैं, कितने ज़्यादा कार्स टॉयज़ वगैरह हैं यहाँ पे, और ये चेक करें यहाँ पे बाइक वगैरह भी है, ये Ducati आई थिंक है ब्लैक एंड वाइट में, मस्त लग रही है बाइक भी। सो अभी देखता हूँ कुछ टॉय सेक्शन में कुछ पसंद आता है टॉयज़ वगैरह लेने के लिए। बाकी यहाँ पे भी रिमोट कंट्रोल कार्स, हेलीकॉप्टर्स, गन वगैरह काफ़ी वैराइटीज़ है टॉयज़ में, यहाँ पे टेडी बियर्स हैं। सो देखता हूँ कुछ अगर यहाँ पे पसंद आता है तो लेता हूँ, और ये चेक करें, ये कार चेक करें, मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे मड का उसको जो ऑफ रोडिंग की ट्रक रहती है जीप वैसा बना है। सो गाइस ये एनिमल्स चेक करें, अभी यहाँ पे एनिमल्स वगैरह देख रहा था लेने के लिए, ये तो ठीक है यहाँ पे सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, बट ये चेक करें यहाँ पे मुर्गी भी है, और वो मुर्गी ने 2 अंडे भी दिए चेक करें गाइस, मुर्गी ने 2 अंडे भी दे दिए सभी पैकेट में, 2 अंडे ये देखें अभी कितने क्यूट लग रहे हैं ये अंडे। चलता हूँ देखता हूँ एनिमल्स वगैरह मैं क्या ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये इंसेक्ट्स भी हैं, स्कॉर्पियन और बीटल वगैरह, जो अच्छा लगता है देखता हूँ लेता हूँ।
और प्राइस भी ठीक ही है इनका, कुछ ज़्यादा कॉस्ट क्वालिटी मेन अच्छी है, बाकी प्राइस का तो क्या ही है। सो गाइस हम एक कैफेटेरिया में आए थे थोड़ा नाश्ता वगैरह करने, सो ये मिनी समोसा ले लिया, वेजिटेबल समोसा, और लस्सी भी ऑर्डर की हमने, मैंगो बनाना लस्सी। सो चलते हैं, तब तक ये खाते हैं जब तक लस्सी नहीं आती, फिर लस्सी आने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसी है लस्सी। सो गाइस ये मैंगो बनाना लस्सी आ गई हमारी, काफ़ी हैवी और ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। सो चलते हैं, हमजा भाई हैं और मैं हूँ, चलता हूँ ये फिनिश करता हूँ, आराम से खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर निकलते हैं। सो यार गाइस मुझे ये लड़का ज़बरदस्ती यूनियन खींच के लेके आया है और अब यूनियन के डे टू डे में लेके जाने बोल रहा है। अभी तक करामा के डे टू डे में गए, कुछ भी मिला नहीं इसको, क्या पता नहीं खरीदना है और अब वापस यहाँ पे डे टू डे में, देखो वहाँ पे डे टू डे है, यहाँ पे सामने चेक करो परफ्यूम लगे ऊपर में, और अब यहाँ पे लेके आए मुझे, बाकी ये चेक कर सकते हैं यूनियन का हाल। अब यहाँ से इतनी सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ेगी, ये चेक करो गाइस यूनियन का व्यू, कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है सनसेट का। सो चलो ऊपर से एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, तब तक सामने वो बुर्ज खलीफा देखो, वहाँ पे बुर्ज खलीफा दुबई फ्रेम, और लेके चलता हूँ आप लोग को ऊपर से एक सिनेमैटिक शॉट दिलाता हूँ, और हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ से एक सिनेमैटिक शॉट का व्यू लो और फिर तुरंत मैं चलता हूँ डे टू डे में, ये भाई को क्या खरीदना है वो खरीदता हूँ और फिर निकलूँगा सीधा घर के लिए। सर गाइस 8:30 बज चुके, मैं घर पे अराउंड 7:15-7:30 को आ गया था, और फिर घर पे आने के बाद हाथ मुंह धोया, कपड़े वगैरह चेंज किया और फिर फैमिली वगैरह से बात करके सब कुछ काम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं किचन भी खा लिए, अपने डिनर की तैयारी कर लेते हैं और फिर डिनर वगैरह होने के बाद मैं मिल के आप लोग से आराम से बातचीत करता हूँ। फिलहाल वहाँ से निकले हम लोग, डे टू डे से शॉपिंग किया, हमजा भाई ने काफ़ी लेट करा दिया शॉपिंग में, और फिर वहाँ से हमजा भाई निकल गए अपने अलेन के लिए, अपने घर के लिए, और मैं फिर यूनियन से मेट्रो लेके घर पे आ गया। सो बस यही था अभी तक का, शाम तक का अपडेट, अब चलता हूँ खाना वगैरह बना के फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे से मसाला पका रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे साइड पैन रखा है, अभी प्याज वगैरह डाल दिया है, ये आलू डाल के पकाना है, फिर राइस धुल के रखा है, राइस डाल के सीटी लगा दूंगा, मेरा मसाला राइस रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अलग से एक ऑनियन चॉप करके रखा हूँ, 4 अंडे, 4 अंडों का एक साथ ऑमलेट बना दूंगा, आधा ऑमलेट अभी खाऊंगा डिनर में और आधा ऑमलेट कल टिफिन में पैक कर लूंगा बचे हुए राइस के साथ। तो चलता हूँ फटाफट डिनर रेडी करता हूँ ये, और मिलता हूँ मैं आप लोग से। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारा ऑमलेट भी रेडी हो चुका है, चेक कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ऑमलेट बना है 4 अंडे का, थोड़ा सा पलटी करने में ये टूट गया, वरना पूरा राउंड शेप का ऑमलेट बनाया था मैंने, और राइस भी कुकर सीटी लगा दिए, अब 3 सीटी राइस का भी देके फिर दोनों चलते हैं डिनर वगैरह करते हैं दोनों बनने के बाद। सो गाइस ये आ चुका है हमारा आज का डिनर, मस्त गर्मा गर्म मसाला राइस और काफ़ी बेहतरीन लवंग और इलायची की स्मेल आ रही है इसमें। ये है ऑमलेट, 2 अंडे का ऑमलेट यहाँ पे, 2 अंडे का वहाँ पे रखा है टिफ़िन के लिए कल के लिए, और उसके साथ है ये ऑरेंज जूस। सो चलता हूँ फटाफट ये डिनर फिनिश करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग से। सो यार गाइस 11:30 बज चुके हैं और खाना पीना खा के मेरा वीडियो आधा एडिट हो भी चुका है, आधा क्या लगभग पूरे दिन के जो भी शॉट थे अभी तक, सुबह से लेके अभी तक खाना खाने तक के सब शॉट्स मैंने वीडियो एडिट कर दिया है। मैं बस वेट कर रहा था बाहर, कुछ लोग बालकनी में हैं, उन लोग बातचीत कर रहे हैं बाहर खड़े होकर, सिगरेट वगैरह स्मोक कर रहे हैं, सो मैं सोच रहा था वो कब जाएं, तो मैं जाके बाहर वीडियो एंड करूं, बट काफ़ी देर हो रही है, वो जा भी नहीं रहे और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता कि आप बाहर जाइए, मुझे वीडियो शूट करना है। सो अभी यहीं पे ब्लॉग एंड कर देते हैं, बाकी आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसकी क्वालिटी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिकॉज आज का पूरा दिन का एक एक शॉट 15 प्रो से शूट किया है मैंने, और कल से मेरी जो व्लॉग है वो नॉर्मली मेरे एंड्रॉइड से ही आएगी, बिकॉज अभी कुछ थोड़े बहुत जो फंक्शंस हैं और जो म्यूज़िक इंपोर्ट करना है NCS के, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ व्लॉग्स में, वो सब थोड़ा मुझे सेटअप करके लेना है, पूरा फ़ोन में अच्छी तरह से सेटअप नहीं हुआ है, एक बार वो पूरा अच्छी तरह से सेटअप हो जाए तो फिर कंटिन्यू डेली हमारे आईफोन से व्लॉग आएंगे। सो बस मैं ये टेस्ट कर रहा था कि कैसे एडिट होता है, कैसे क्या एक्सपोर्ट का सिस्टम है और कैसी क्वालिटी आ रही है, ऑब्वियसली आईफोन 15 है की क्वालिटी अच्छी ही होगी, बट मैं चेक कर रहा था कि क्या क्या मुझे करना पड़ता है, क्या सीखना है मुझे।
इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग, और इसकी क्वालिटी मुझे ज़रूर बताना आप लोग। बाकी थोड़ा दिन और वेट करें, फिर 15 प्रो से रेगुलरली व्लॉग्स आपको मिलेंगे। एंड्रॉयड से मैं बंद कर दूंगा व्लॉग करना, बस कुछ थोड़े बहुत जो सॉन्ग्स हैं मुझे डेली यूज़ में आते हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, और दो तीन बहुत सेटअप करना है, काम कुछ सीखना है, अपडेट वगैरह एडिटिंग इसमें वो सीख लेता हूँ, उसके बाद फिर इस पर कंटिन्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मैंने टोटल 3 वॉच खरीदे, 2 मेरे रिलेटिव्स के लिए उनके लिए लेके जाना है और एक मेरे खुद के लिए। अभी आज के लिए इतनी शॉपिंग ठीक थी, बाकी धीरे धीरे जैसी जैसी शॉपिंग रहेगी वो करेंगे। हालांकि मैं आज गोल्ड मार्केट भी जाने वाला था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, काफ़ी लेट हो गया, गोल्ड मार्केट भी नहीं गया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ट्राई करेंगे गोल्ड मार्केट के लिए। यही सब था आज के लिए आप लोग के लिए, अब चलता हूँ, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।